आसमान में उड़ान भरते ये हैं सुडानी एयरफोर्स के जहाज और ये जमीन पर अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टारगेट कोई और नहीं बल्कि इनके अपने ही लोग हैं। सुडान में इस वक्त सुडान की आर्मी वहां की पैरामिलिट्री के बीच जंग छिड़ी हुई है। पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स और सुडानी आर्मी में भयंकर जंग चल रही है। अभी तक तकरीबन 97 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये झगड़ा शुरू हुआ है सुडान आर्मी के चीफ और रैपिड सपोर्ट फोर्स जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है उसके प्रमुख के बीच, और ये सब कुछ 15 तारीख से शुरू हुआ है और इस बीच पूरा देश जल रहा है। खुर्तुम शहर का हवाई अड्डा इनके निशाने पर रहा, जहां पर प्लेन्स आग के चपेट में आ गई, जहां पर भीषण आग लग गई। इसके अलावा पूरे शहर में बमबारी हो रही है और लोग काफी चिंतित हैं। इस बीच 3 घंटे के लिए यूएन के कहे पर एक पॉज दिया गया, जिसके बीच में लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। आपको बता दें कि ये सब होने के बाद से अमेरिका लगातार सीज फायर का आह्वान कर रहा है, लेकिन इसका इन लोगों पर कोई असर नहीं है। आसमान में उड़ान भरते फाइटर जेट्स अपने टारगेट को बर्बाद करने के लिए उतारू हैं। हर तरफ लोग गोली चलाने वाला और गोली खाने वाला दोनों सुडान के लोग हैं, लेकिन इस बीच जब आरएसएफ और यहाँ की आर्मी के बीच जंग छिड़ी है तो कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा है जब वहां की आर्मी और वहां की पैरामिलिट्री आमने सामने है। आपको बता दें कि वहां के आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, जो कि सुडान के ट्रांजिशनल गवर्निंग सोवरेन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और पैरा रैपिड सपोर्ट फोर्स के अध्यक्ष जनरल मोहम्मद हमदान दागलो के बीच जमकर जंग चल रही है। और इस जंग में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वहां के आम लोग हैं, क्योंकि लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। ये दो गुटों की लड़ाई है जिसमें पूरा देश झुलस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।